स्टोरी कुछ थी ही नहीं, स्टोरी के नाम पर पता नहीं क्या बना दिया रोहित शेट्टी। मुझे लगता है कि उन्होंने बस ऐसी बना दी फिल्म, भी बनानी है तो बना लो और कुछ देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी अब देख लेना। इतनी मतलब इतनी अच्छी भी नहीं बनी। सर्कस मूवी कैसी लगी? बोरिंग, बहुत सुपर बोरिंग, क्रिंज लगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया है रोहित शेट्टी ने इस मूवी में। तो मुझे नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशंस थे कि यार गोलमाल लेवल जैसी होगी, कॉमेडी होगा, सब कुछ होगा, बट वो उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करने के चक्कर में सब कुछ मतलब कचरा कर दिया उसको। रणवीर सिंह से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था ही, उन्हें इस साल अवार्ड भी मिला है सुपरस्टार ऑफ द डेकेड, उसके बाद ऐसी एक्टिंग देखकर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है उनसे कि एटलीस्ट ऐसी एक्टिंग तो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी, लीस्ट एक्सपेक्टेड थी। कॉमेडी की बात करें, रोहित शेट्टी माने जाते हैं कॉमेडी के डायरेक्टर। एग्जैक्टली, कॉमेडी वो कहाँ थी इस मूवी में, मैं कहीं नहीं दिखाई दी कॉमेडी के नाम पे। गाड़ी उड़ाने में, गाड़ी उड़ी की नहीं, नहीं नहीं इस मूवी में वो नहीं देखने मिला तो या, लेकिन कॉमेडी के नाम पे भी क्रिंज ही नज़र आया। सिर्फ कुछ एक्टर्स थे जैसे संजय मिश्रा जी थे, सिद्धार्थ जाधव थे और अपने जॉन लीवर थे, हाँ उनका कॉमेडी क्रिंज नहीं लगा। वो तभी भी एथनिक लग रहा था कि ओके ऐसे मतलब इंजॉय करने हो रहा था लास्ट के फ्यू मिनट्स। ओवरऑल मूवी वॉज सुपर बोरिंग। स्टोरी की बात करें तो क्या स्टोरी क्या थी मूवी? स्टोरी कुछ थी ही नहीं, स्टोरी के नाम पर पता नहीं क्या बना दिया रोहित शेट्टी। मुझे लगता है कि उन्होंने बस ऐसी बना दी फिल्म, भी बनानी है तो बना लो और कुछ थी इस मूवी में। तो वो कहना कि एंड में एक क्लाइमेक्स में बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। क्या मैसेज? हाँ वही, मतलब ऑर्फनेज के बारे में बताया है और अबाउट दैट, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जैकलीन मैम, आप पूजा मैम के बारे में बात कर रहे हो, उनको स्क्रीन टाइम ही कहाँ मिला है पूरे मूवी में? मुझे नहीं लगता कि उनको इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला, अगर मिलता तो शायद कुछ, पर वैसे भी एक्टिंग वाइज तो दोनों की मुझे कुछ अच्छी इतनी खास नहीं लगी। बोल सकते हैं कि इस बार रोहित शेट्टी फेल हो गए। हाँ फेल हो गए। ऑडियंस को किस खास तरीके से अपील की जाए ताकि वो मूवी को देखे? मूवी नहीं देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी अब देख लेना। इतनी मतलब इतनी अच्छी भी नहीं बनी है मूवी। अच्छा, 1.5। थैंक यू सो मच।